ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ प्लेटफार्म की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये सोलर पैनल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। और ये जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, अगर आप इसको देखें तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो जगह है उसका यूटिलाइजेशन किया गया है, उसका उपयोग किया गया है। और यहाँ पर जो पावर प्लांट लगाया गया है इसको PPP मोड में लगाया गया है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसको ये दिया गया है। और इसी पूरे के पूरे पावर प्लांट में जो लागत आई है जो कंपनी की तरफ से, वो महज 34 करोड़ रुपए है। और ये PPP मोड में है तो इसका मतलब ये हुआ जो बिजली जनरेट होगी वो रेलवे खरीदेगी। और जो उसको रेट दिया गया है रेलवे को, 4 रुपया 14 पैसा पर यूनिट का रेट मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे को काफ़ी सस्ती बिजली मिल रही है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो बिजली जनरेट हो रही है वो दिन में जितनी पावर रिक्वायरमेंट है रेलवे की उसको पूरा कर देगी। 2 मेगावाट का ये पावर प्लांट है और इसकी वजह से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको हर महीने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 12 करोड़ रुपए की सीधी सीधी बचत, क्योंकि रेलवे इस समय जो बिजली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेती है उसको उसका रेट तकरीबन 8 रुपए के आसपास देना पड़ता है। तो इस तरीके के तमाम उपाय हैं जिनके जरिए मोदी सरकार रेलवे को बढ़ावा देना चाहती है। और अगले 5 साल के लिए जो टारगेट तय किया गया है वो आप समझ सकते हैं कि वायबल है, क्योंकि वायबल इस वजह से है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 41,000 करोड़ रुपए की बचत सिर्फ रेलवे करेगी इस तरीके की ग्रीन इनिशिएटिव से। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बचत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लेटफार्म है उसकी जो छत है खाली रहती है, उसके ऊपर ये सोलर पावर पैनल लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके के ग्रीन इनिशिएटिव से रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और एक तरीके से हम देखें तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है, काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके की जो इनोवेटिव वेव्स हैं, इनोवेटिव तरीके हैं, उनसे रेलवे को कहीं ना कहीं ढेर सारा फ़ायदा होने की संभावना बढ़ गई है। और क्योंकि देश भर में जो सूरज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर धूप अवेलेबल है, और इस धूप का उपयोग करके पूरे देश भर में इस तरीके की ग्रीन एनर्जी जनरेट की जाएगी। और उसका ये एक अच्छा उदाहरण है, अगर आप देखें तो इस तरीके की जो जगहें हैं पहले से मौजूद हैं लेकिन इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार है वो कई ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे देश को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, प्रदूषण नहीं पैदा होगा, और साथ ही साथ जो सरकारी संस्थान हैं उनको काफ़ी बचत होगी। इस लिहाज से हम कह सकते हैं ये एक अच्छा स्टेप है। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे और बिजली चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके अख्तियार किए गए हैं जिससे प्लेटफार्म पर अच्छी लाइट रह रही है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर पावर पैनल लगाए गए हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी से दिन में बिजली की सप्लाई यहाँ पर की जा सकेगी। और इससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे को अच्छी खासी बचत होने की संभावना है। और सिर्फ बिजली के बिल की अगर हम बात करें तो एक महीने में तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए की बचत रेलवे को होने की संभावना है। और उससे बड़ी बात यह है अगर साल भर की अगर हम बात करते हैं तो 7 से 8 करोड़ रुपए की बचत रेलवे करेगी, क्योंकि सोलर पैनल के जरिए जो लाइट मिल रही है उसकी जो सप्लाई है वो 4 रुपए 14 पैसे में तय की गई है। इस लिहाज से हम देखें तो विन विन सिचुएशन है रेलवे के लिए। और इस तरीके के जो उपाय हैं वो कई और स्टेशन पर किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में तमाम स्टेशन पर इसी तरीके के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।